नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूँ कवि आलोक धनवा द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है पतंग। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सावन और भादों का महीना बीत गया और साथ ही तेज बारिश का मौसम भी बीत गया है। चूंकि सावन और भादों के महीनों में आसमान पर अधिकतर बादल छाए रहते हैं, इसलिए सूरज की किरणें धरती पर कम ही पड़ती है, यानी सूरज भी बादलों के पीछे छुपकर हमसे लुका छुपी का खेल खेलते हैं। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है तो आसमान एकदम साफ और स्वच्छ हो जाता है और सूरज की किरणें सीधे धरती पर पड़ती है। उस समय कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे कि अंधेरी रात बीत गई है और सुबह हो गया है, और शरद ऋतु की उस सुहानी सुबह में आकाश में छाई लालिमा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे खरगोश की लाल आंखें हो। मतलब शरद ऋतु में आकाश में छाई हुई लालिमा खरगोश की आंखों की भांति लाल दिखाई दे रही है। पिछले साल की शरद ऋतु में इस साल की शरद ऋतु के आने तक बीच में कई और ऋतुएं भी आई और गई, इसलिए कवि ने उन सभी ऋतुओं को पुल का नाम दिया है। और शरद ऋतु में दोपहर के समय जब आसमान में सूरज की किरणें चारों ओर फैलकर एकदम चमकीली दिखाई देती है तो कवि को वह किसी साइकिल की भांति प्रतीत होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि शरद ऋतु किसी छोटे बच्चे की तरह कई सारे पुलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपने चमकीले इशारों से बुला रहा है, और मानो वो कह रहा हो कि मौसम एकदम सुहाना हो गया, इसलिए पतंग उड़ाने के लिए तुम अपने घरों से बाहर निकल आओ। दोस्तों, यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को बुलाता है और उसने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि पतंग आसमान में आसानी से बहुत ऊंची उड़ सके। दरअसल बालक शरद चाहता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके। दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके। बड़ी खुशी से इधर उधर भागते हुए, चिल्लाते हुए और खुशी से सीटियां बजाते हुए तितलियों की तरह चंचल बच्चों की एक नाजुक सी दुनिया शुरू हो सके। दोस्तों, यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में पतंग उड़ाते बच्चों का दौड़ना भागना और खुशी से उछलना देखकर उनकी तुलना कपास के साथ करते हुए कवि कहते हैं कि जिस तरह कपास मुलायम, शुद्ध और सफेद होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चों का मन भी स्वच्छ, कोमल और पवित्र होता है। कवि आगे कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ निर्मलता और कोमलता लेकर आते हैं, और जब वे पतंग के पीछे भागते हैं तो कवि को ऐसा लगता है जैसे कि उनकी निर्मलता, कोमलता और पवित्रता को छूने से पृथ्वी भी घूम घूम कर उनके आस पास आ रहे हैं। बच्चे जब बेखबर होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो उनकी आंखें आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ती उस पतंग पर ही टिकी रहती है, जिस वजह से उन्हें छत की कठोरता का एहसास भी नहीं होता है। यानी उस समय वो कठोर छत को भी नरम ही महसूस करते हैं, और उनके तेज दौड़ने से उनके पैरों के द्वारा होने वाली आवाज ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि सभी दिशाओं में मृदंग बज रहा हो। कवि ने बच्चों के दौड़ने भागने की तुलना झूला झूलने से की है। जैसे झूला झूलते समय एक बार झूला बहुत ऊंचा चला जाता है, फिर तेजी से वापस अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाता है, ठीक उसी प्रकार बच्चे एक जगह से दौड़ लगाकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दौड़ते हुए पहली वाली जगह पर ही वापस आ जाते हैं। किसी पेड़ की डाल की तरह दौड़ते भागते इन बच्चों का लचीला शरीर इन्हें सुरक्षित रखता है। जैसे पेड़ की डाल को जोर से खींचने के बाद जब उसे छोड़ते हैं तो वह अपने लचीलेपन के कारण बिना किसी नुकसान के दोबारा अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाती है। दोस्तों, यह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पतंग के पीछे दौड़ते भागते बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित मन के अंदर की खुशी और उनके शरीर का लचीलापन उनको छतों से नीचे गिरने से बचाता है। धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयां पर उड़ती हुई पतंगों की डोर बच्चों के हाथों में होती है और बच्चे महज एक धागे के सहारे उस पतंग को संतुलित कर लेते हैं और अपने आप को भी उसी डोर के सहारे गिरने से बचा लेते हैं।
पतंग उड़ाते इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ साथ वो भी अपनी कल्पनाओं, भावनाओं और खुशी के सहारे उड़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते हुए जब कभी ये बच्चे छतों के किनारों से नीचे गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तब तो उनके अंदर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। उनके अंदर से डर खत्म हो जाता है और वे दुगुने उत्साह और साहस के साथ अगले दिन सुबह फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। और फिर ऐसा लगने लगता है कि जैसे दौड़ते भागते बच्चों के चारों ओर पृथ्वी और अधिक तेजी से घूम रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।